क्या है बता रहे हैं, पैर नीचे और सावन का महीना चल रहा है, बारिश आज 3 दिन में रुकी है, तो वो भी बचने के लिए घरों में घुस रहे हैं और पेंडे भी घर में घुस रहे हैं, उनका शिकार आसान शिकार की तलाश में भी घरों में घुस रहे हैं। आप लोगों से निवेदन है कि बिल्कुल भी सांपों से बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करें, सांप को देखते रहें जब तक रेस्क्यू टीम ना आए, ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपको या आपके परिवार को खतरा हो। ये देखिए ये छोटा बच्चा है परंतु जहर इसके अंदर पूरा है, कोबरा है, सावन का महीना चल रहा है। साथी निष्ठावाद ऋषिकेश से 10-12 किलोमीटर दूर, डिवाल 10-12 किलोमीटर दूर हमारे मफलों का परिवार के आए दर्शन देने आया था। चलो बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, आपका धन्यवाद आपका जी, आपने तो मारा नहीं। निष्ठावाद से हमारे घर सांप घुस गया था कमरे में, भैया को फोन किया जिससे वो आके डोई वाले से भैया आए और उसको पकड़ के ले गए। दोस्तों ये नाग सावन में मतलब परिवार रिश्तेवाद निकल गया था, सूचना मिली इसको पकड़ लिया, अब मैं इसको इसके प्राकृतिक छोड़ रहा हूँ। मौसम में बदलाव और नमी के कारण सांप सब घरों में घुस रहे हैं और इनका आसान शिकार इस समय चूहा मेंढक
घरों मिल रहा है, उसको देखिए सुरक्षित मैं लेके आ गया हूँ। और यही जंगलों में कहीं अपना आसियाना बना लेगा, ये देखते आराम से जाता है, गुस्से में जाता है, इसकी प्रकृति है। ये देखिए ये चल दिया, ये स्पेक्टिकल कोबरा था और वहाँ पर डर रहे थे इसलिए ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाए। इसके पीछे भगवान ने एक चश्मा सा लगा रखा है और रात को वो चमकता है एक रेडियम टाइप में। तो शिकार वो जो शिकार करने वाला होता है, छोटे मोटे जानवर होते हैं, इसको देख के आते हैं, उनका शिकार करता है। काफ़ी ज़्यादा जहरीला सांप है, छेड़छाड़ बिल्कुल भी ना करें, खतरा हो सकता है। सांप की सूचना 108 को दें, वन विभाग को दें, हमें दें, ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपके आपके खतरा हो।